गाइज इट्स मी अंश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज अगर आप लोग इंडिया में यूज करते हो सैमसंग के डिवाइसेस तो आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग का वन यूआई 3.1.1 का अपडेट आपके डिवाइसेस के लिए रोल आउट करा जा रहा है सैमसंग के द्वारा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि आप लोगों के डिवाइस में कब तक आएगा, क्योंकि अभी तक डिवाइसेस में रोल आउट नहीं हुआ है और हुआ भी तो है बहुत कम डिवाइसेस के अंदर हुआ है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी से बता देता हूं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज की वीडियो में मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट स्कूप वेबसाइट से ली है। अगर आप लोग चाहो तो अपडेट स्कूप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना समझ आए तभी जाना। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें सैमसंग का जो वन यू आई 3.1.1 अपडेट आने वाला है इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कट बता दूँ, ये जो अपडेट है सैमसंग के सारे डिवाइसेस के अंदर आने वाला है। वन यू आई 4.0 अपडेट के पहले ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि सैमसंग वन यू आई 4.0 को तब तक रोल आउट नहीं करेगा जब तक आप लोगों के डिवाइसेस स्टेबल नहीं हो जाते। तो डिवाइसेस को स्टेबल करने के लिए वन यू आई 3.1.1 को सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करा है। अब ये जो वन यू आई 3.1.1 है, इस अपडेट को करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपके डिवाइसेस के अंदर जितने भी अवेलेबल बग्स थे सारे के सारे क्लियर हो जा रहे हैं, और जितने भी यूज़र्स को ये अपडेट अभी तक रिसीव हुआ है, चाहे वो सैमसंग का गैलेक्सी एस सीरीज़ के यूज़र्स हों चाहे वो ए सीरीज़ के A52 यूज़र्स हों, सबको अभी एक चीज काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है कि इनके अंदर बग्स तो क्लियर देखने को मिले हैं, उसी के साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी आए हैं। तो ये बात वन यू आई 3.1.1 की काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे यूजर्स अभी रह रहे हैं सैमसंग की, ना ए सीरीज को आया ना एस सीरीज के अभी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, और एम सीरीज में तो बिल्कुल भी अभी तक आया ही नहीं है, तो इन सारे डिवाइसेस को कब तक देखने को मिले। अभी देखो गाइस अभी बस 10 सितंबर है और 10 सितंबर में सैमसंग ने अपनी एस सीरीज के काफी डिवाइसेस के अंदर रोल आउट कर दिया है, एंड ए सीरीज का A52 4G ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर वन यू आई 3.1.1 का अपडेट आ चुका है। अब ये जो अपडेट है सैमसंग के एम सीरीज ए सीरीज और बाकी सारे डिवाइसेस के अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसेंशियल अपडेट है। अब अगर इसकी हम लोग यहाँ पे देखें तो सितंबर के मिड से अक्टूबर के एंड तक ये जो अपडेट है फाइनली आप लोगों के डिवाइसेस में ख़त्म हो जाएगा आकर। अभी देखो अभी सितंबर के मिड तक बहुत सारे सैमसंग के डिवाइसेस के अंदर वन यू आई 3.1.1 का अपडेट आने वाला है, और उसी के साथ साथ सैमसंग आपको और भी ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर्स देने वाला है। अभी तो कुछ ही फीचर्स को सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करा है वन यू आई 3.1.1 अपडेट के साथ, बट आगे इन द फ्यूचर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं सैमसंग के इसी से रिलेटेड। उसी के साथ साथ जब ये अपडेट आएगा आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा जाएगा कि ये वन यू आई 3.1.1 है, आपको एक सिंपल सा सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया जाएगा जिसके अंदर आपका 500 to 1 GB के करीब अक्रॉस उसका साइज़ होगा, एंड उसके अंदर आपको अपडेट के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड जब आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाके चेकआउट करोगे तब वो आपको वन यू आई 3.1.1 दिखाएगा, बट अपडेट लॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला है। यही सेम कंडीशन सैमसंग के S21 Ultra के साथ हुई है और A52 4G के साथ भी यही सेम कंडीशन हुई है, तो इसका आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड गाइज मेरे पास बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसी के साथ साथ अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइज इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।